अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मसालेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी बताएंगे। उसके लिए हम लेंगे 500 ग्राम चिकन, 2 मीडियम टमाटर, 2 मीडियम प्याज, उसको स्लाइसेस में काट लेंगे और टमाटर को भी काट लेंगे, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक, 4 हरी मिर्च, 2 टीस्पून चॉप लहसुन, 2 टीस्पून चॉप अदरक और 1 टीस्पून हरी मिर्च। अब हमने ऑयल को गरम कर लिया है, अब इसमें प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन। इसकी फ्लेम मीडियम रखी हुई है इसकी। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें टोमेटो डालेंगे। लहसुन अदरक चॉप किया हुआ और हरी मिर्च डाल देंगे चॉप किया हुआ। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा भुनेंगे अब इसको। अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे। फ्लेम को स्लो रखनी है। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। अब मीडियम आंच पे इसको भूनेंगे अच्छी तरह। ग्राम दही लिया है, अब इसको इसमें डाल देंगे। अब फ्लेम को स्लो रखनी है और चिकन को पकने तक इसको हम कवर करके रख देंगे। अब हम चिकन ग्रेवी में डालने के लिए लेंगे 3 से 4 प्याज। आप फ्राई करके ब्राउन कर लीजिएगा। इसकी रेसिपी मैंने अपने टिप्स में बताई हुई है, तो ये पहले से तैयार कर लीजिएगा। हरा धनिया चॉप, हरा धनिया चॉप, पुदीना, 2 मीडियम आलू लिए उसको काट लिए हैं और 4 हरी मिर्च। फिफ्टी परसेंट चिकन पक चुकी है, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। मैंने इसमें चॉप ग्रीन चिली
और लाल मिर्च पाउडर एक्स्ट्रा डाली थी। अगर आपको भी स्पाइसी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। अब इसमें आलू डालेंगे, हरी मिर्च, हरी मिर्च को बीच में से काट लिया था। अब इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे आलू पकने तक। चिकन और आलू तकरीबन पक चुके हैं। अब हम इसमें धनिया पुदीना डालेंगे, एक टेबलस्पून जितना लेमन जूस लिया है, थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, पुदीना, और थोड़ी सी ब्राउन प्याज। अब इसको थोड़ी देर के लिए वापस रख देंगे चूल्हे पे। बिरयानी की चिकन ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम चावल तैयार करेंगे। आधा किलो चावल लिए हैं, उसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। साबुत गरम मसाला, दो बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, लौंग और तेज पत्ता, और दूध में थोड़ा सा ज़ाफ़रान मिला दिया था। पानी को बॉईल कर लिया है, इसमें नमक डाल दिया था। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे, चावल भी डाल देंगे। अब चावल को बॉईल होने तक फ्लेम पे रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे। अब चावल को पकने के लिए रख देंगे। चावल की एक तह डाल दी है हमने। अब इसमें चिकन की ग्रेवी बिछाएंगे। इस तरह सारे चारों तरफ ग्रेवी डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालेंगे। बाकी के चावल डाल देंगे। इसको अच्छी तरह फैला देंगे। अब इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। पुदीना जाफरान का दूध डाल देंगे। प्याज डाल देंगे।
अब आखिर में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब इसको दम पे रख देंगे कवर करके। अब बिरयानी को तवे के ऊपर दम करने के लिए रख दिया है 15-20 मिनट के लिए, फिर हम इसका स्टोव बंद कर देंगे। मसालेदार चिकन बिरयानी तैयार है। आप इसको सैलेड और खुरदी के साथ सर्व कर सकते हैं। खुरदी की रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बता दी है।